हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे चैनल बीटेक में। और जो आज आपके लिए मैं वीडियो लाया हूँ तो दोस्तों, वो है कैमरा के ऊपर। दोस्तों जो कैमरा है उसको मतलब कि 2018 मतलब कि 2008 से मतलब कि कई स्मार्टफोन्स में कैमरा आ रहा है। और मतलब कि आज तक काफ़ी मतलब कि जो कैमरा है उसको काफ़ी हाइप मिली है। जैसे कि जो ओप्पो और वीवो के स्मार्टफोन्स है उसने मतलब कि सेल्फी में जो कैमरा लाया उसमें काफ़ी इनोवेशन लाया। और काफ़ी हद तक जो कैमराज उसके थे वो आसपास की जो स्मार्टफोन कंपनीज थी उसको कभी टक्कर नहीं दे पाई। मतलब कि उससे काफ़ी हाई था जो उनका कैमरा था ओप्पो और वीवो का। तो दोस्तों जो ओप्पो और वीवो अपने कैमरे में मतलब कि काफ़ी अच्छे ढंग से काम करती थी। लेकिन दोस्तों यहाँ पर एक पॉइंट ऐसा आता था जहाँ पर मतलब कि लोग कन्फ्यूज़ हो जाते थे। दोस्तों जो 8 मेगापिक्सल है और 13 मेगापिक्सल है दोस्तों, वो मतलब कि सिमिलर भी हो सकते हैं। ये उनकी मतलब कि प्रोसेसिंग के ऊपर है या फिर पिक्सल्स के ऊपर है कि वो किस फोटो को किस तरह से मतलब कि शो करे। जो अपनी मतलब की क्वालिटी होती है वो उनकी पिक्सल्स से शो होती है और दोस्तों प्रोसेसिंग से शो होती है। दोस्तों जो मतलब कि सॉफ्टवेयर प्रोसेसिंग काफ़ी अच्छी हो जिस डिवाइस के कैमरे की, तो दोस्तों काफ़ी मतलब कि अच्छा देख सकते हैं उस कैमरे को आप। और दोस्तों जो उसके मतलब कि आपको एक्सपीरियंस होगा दोस्तों, वो भी उसकी प्रोसेसिंग और जो क्वालिटी है फ़ोटो की उसके आधार पर आपको मिलेगी। तो दोस्तों कई बार हमें मतलब कि ये कन्फ्यूज़न हो जाती है कि 13 मेगापिक्सल और 21 मेगापिक्सल में। दोस्तों भले ही मेगापिक्सल में 21 ज़्यादा हो, लेकिन दोस्तों जो प्रोसेसिंग स्टेबिलिटी वगैरह अगर 13 मेगापिक्सल में काफ़ी अच्छे से यूज़ की गई हो तो दोस्तों वो 21 मेगापिक्सल वाले कैमरे को अच्छे से हरा सकता है। क्योंकि दोस्तों जो मेगापिक्सल काउंट में ही नहीं, लेकिन दोस्तों कई चीज़ें जैसे कि प्रोसेसिंग के ऊपर और जो स्टेबिलिटी के ऊपर होती है, तो दोस्तों उसमें भी जो है मतलब कि कैमरा डिफर करता है एक दूसरे से। क्योंकि दोस्तों हर एक कैमरा मतलब कि अपने जो प्रोसेसिंग के ऊपर ही डिपेंड होता है। क्योंकि दोस्तों आज की डेट में अगर आप पिक्सल के स्मार्टफोन्स देखोगे तो दोस्तों उसमें वन कैमरा है, लेकिन दोस्तों जो उसमें कैमरा है दोस्तों उसमें जो स्टेबिलिटी वगैरह प्रोसेसिंग वगैरह है गूगल का जो फ़ोन है, तो दोस्तों उसमें आपको बहुत ही अच्छे ढंग से देखने को मिलेगा। कैमरा मतलब कि उसका बहुत ही अच्छा है, उस प्राइस में मतलब कि लगभग आस पास भी कोई कैमरा नहीं है उसको टक्कर देने वाला। और दोस्तों जो उस टाइप के फ़ोन्स हैं वो मतलब कि मार्केट में बहुत ही कम है आज की डेट में जो कि अपने कैमरे को उतना पावर दे। और दोस्तों भले उसका प्राइस हाई हो, लेकिन दोस्तों उसकी जो क्वालिटी है वो बहुत ही अच्छी है। दोस्तों ऐसा ही जो ओप्पो और वीवो ने भी सेल्फी में मतलब कि किया था कि उनके आसपास कोई कंपनी टिक ही नहीं पा रही थी दोस्तों कैमरा के लिए। और दोस्तों उन्होंने जो जियोनी के कैमरास थे वो काफ़ी अच्छे थे उसमें, लेकिन दोस्तों उन्होंने उसे भी हरा दिया। और दोस्तों आने वाले टाइम में आपको पता ही है कि दोस्तों जो कैमरा है वो बहुत ही अच्छा मतलब कि ओप्पो और वीवो का सेल्फी कैमरा, और उन्होंने अपने जो डिवाइस थे उसको भी सेल्फी फोन्स और सेल्फी एक्सपर्ट के नाम से लॉन्च किया कई मतलब की शोज़ में। क्योंकि दोस्तों जो कैमरा है उसको काफ़ी प्रायोरिटी दी गई थी उसमें। और दोस्तों अब आता है जो मतलब कि 2 कैमरास 3 कैमरास और 5 कैमरास। तो दोस्तों जो 2 कैमरास था उसको मतलब कि बेसिकली एक में ब्लर करने के लिए यूज़ किया जाता था कैमरा को, और एक कैमरा प्राइमरी कैमरा के रूप में यूज़ किया जाता था। लेकिन दोस्तों अब जब मतलब कि 5 कैमरास वाले फ़ोन्स आते हैं तो दोस्तों उसमें जो कैमरास की मतलब कि हर एक कैमरा में जो परफेक्ट शॉट्स होंगे, तो दोस्तों जो प्रोसेसिंग पावर है कैमरा की वो मतलब कि उन शॉट्स को खरीदे रखेगा, और दोस्तों बाकी जो वेस्टेज है वो उन्हें डिलीट कर देगा। और दोस्तों इस तरह मतलब कि स्मार्टफोन के जो कैमराज है वो बेस्ट परफॉर्मेंस देंगे, और दोस्तों मतलब कि काफ़ी आपको जो एक्सपीरियंस मिलेगा वो भी काफ़ी अच्छा मिलेगा। तो दोस्तों इस तरह से जो 5 कैमराज आने वाले फ़ोन्स में, जैसे कि नोकिया भी लॉन्च करने वाला, तो दोस्तों उसमें काफ़ी इन्जॉय आपको मिल सकता है देखने में। दोस्तों इस तरह मतलब कि जो कैमराज है वो ना केवल मतलब कि आपको एक्सपीरियंस देंगे, लेकिन दोस्तों आपको मतलब कि DSLR के जितनी पावर के लिए कोशिश करेंगे, लेकिन दोस्तों उसे बीट करना काफ़ी मुश्किल है। लेकिन दोस्तों वो धीरे धीरे मतलब कि एडवांस होते रहेंगे कैमराज जो है। और दोस्तों जो DSLR कैमराज है वो मतलब कि कॉन्सेप्ट अलग है, और जो मोबाइल कैमरा है वो काफ़ी कॉन्सेप्ट अलग है। इसके लिए मैं आपको अलग से वीडियो बना के दूंगा। तो दोस्तों इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहे मेरे चैनल बीटेक, मैं आपके लिए ऐसी वीडियो लाता रहूँगा। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। जय हिंद जय भारत दोस्तों।